हेलो, दिस इज ललित कुमार पाल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ द कोर्स ऐप मार्स चैलेंज एंड इट इज़ द स्पेस एरेज प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पहले इस प्रॉब्लम को समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। फाइनली अ प्रोग्रेस रीच द मडोका फैमिली एंड सी डिसाइडेड टू प्ले विद हर लिटिल सिस्टर इन द सेंसेशनल गेम स्पेस एरेज। मतलब उनको कोई गेम खेलना है और वो अपने मडोका फैमिली में पहुँचते हैं और वहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ गेम खेलने का सोचती है वो। तो गेम के रूल्स क्या हैं पहले ये जानना जरूरी है। तो गेम के रूल्स हैं कि सीक्वेंस पहले गिवन है कि A1 से लेके AN तक एक सीक्वेंस है कोई, और अल्टरनेट टर्न्स पे खेलेंगे। हर एक टर्न पे जो करंट प्लेयर है वो कोई सी भी एक इंडेक्स चूज कर सकता है और उस इंडेक्स की वैल्यू को AI+1 से रिप्लेस कर सकता है। और उसके बाद आफ्टर दैट इफ देयर इज नो परम्यूटेशन P1 से लेके PN तक ऑफ द इंटीजर्स 1 through N सच दैट AI < PI होल्ड्स फॉर ईच वैलिड आई द करंट प्लेयर लूजेस। तो क्या होगा कि अगर ये सारे परम्यूटेशंस करने के बाद, जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो करने के बाद, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि सारे जो AI है, जो इनिशियल एरे है और जो चेंज करके एरे बना है, अगर वो सारे एलिमेंट छोटे हो जाते हैं तो वो हार जाएगा प्लेयर। और अगर जब तक ऐसा नहीं होता तब तक गेम चलता रहेगा। अब मडोका इज आस्किंग यू टू हेल्प हर। मडोका को हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो वो जानना चाहती है कि पहला प्लेयर जीतेगा या दूसरा प्लेयर जीतेगा, अगर दोनों अच्छे से गेम खेलते हैं तो। इनपुट आउटपुट फॉर्मेट देख लेते हैं। तो इनपुट आउटपुट फॉर्मेट में पहली लाइन टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस दे रखे हैं, दूसरे नंबर ऑफ इंटीजर्स और फिर जो एन इंटीजर्स हैं वो दे रखे हैं नेक्स्ट लाइन में। और आउटपुट में हमें प्रिंट करना है कि फर्स्ट जीतेगा या सेकेंड जीतेगा। तो कंस्ट्रेंट पे एक बार नज़र डालते हैं। तो ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और ये एन, तो देखते हैं एक टेस्ट केस, समझते हैं कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। पहला टेस्ट केस देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे अप्रोच कर सकते हैं इसको। तो जैसे ये है, ये वैल्यूज हैं, सॉरी एक्चुअली ये 1 2 3 3। तो अगर फर्स्ट प्लेयर क्या करता है, फर्स्ट प्लेयर फोर्थ एलिमेंट को सिलेक्ट कर ले, ये फोर्थ एलिमेंट 3, और इसको इंक्रीज कर दे तो ये 4 हो जाएगा। अब जो नया सीक्वेंस है वो सारे एलिमेंट्स, नया सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3 4। अब क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि 1 इससे छोटा होना चाहिए, मतलब छोटा या इक्वल, तो दूसरा वाला प्लेयर है वो हार जाएगा। अब ये सारी चीज़ों में ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो हार जाएगा गेम। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बेटर वे है जो मैं आपको बताता हूँ। हमको क्या करना है, हमको ऐसे अप्रोच करना है इस प्रॉब्लम को। पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 3, ये हमारा टेस्ट केस है। अब इसको हम वन वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे इसकी। 1 2 3 4। अब चेक करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं एरे की, इनकी कोई वैल्यू इंडेक्स से बड़ी तो नहीं है। अगर कोई भी वैल्यू इंडेक्स से बड़ी है तो सेकंड प्लेयर जीत जाएगा, अगर नहीं है एल्स कंडीशन में क्या होगा, एल्स कंडीशन हमारी ये होगी कि हमको इन दोनों का डिफरेंस
एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा और उसको इटरेट करने के साथ साथ ऐड करते जाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे इसको देखते हैं। पहले इससे पहले हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, एरे के साथ हमें अपने एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें तो ये पहले से सॉर्टेड एरे है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो पहले एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये जो मैंने बताया उसको यूज़ करेंगे। तो एक बार देखते हैं कैसे वर्क कर रहा है। जैसे इसमें कोई भी वैल्यू, ये जो वैल्यू है वो इंडेक्सेस से बड़ी नहीं है, तो हम हर बार एल्स कंडीशन में जाएंगे। एल्स कंडीशन में जाएंगे तो हम इसका और इसका डिफरेंस ऐड करेंगे। अब इसका डिफरेंस क्या है, 0 पहले वाले का, दूसरे वाले का भी 0, तीसरे वाले का भी 0 है, और इसका क्या है, 4 - 3 = 1। तो टोटल क्या हो गया, 1। तो अब हमें वन आता है, मतलब कि अगर ये ऑड आता है तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट, और अगर ये इवन आता है तो हमारा आंसर होगा सेकंड। अब ये तो हमने प्रॉब्लम देख ली है, ये टेस्ट केस। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर करने के लिए दूसरा टेस्ट केस लेता हूँ जो थोड़ा रैंडम ऑर्डर में है, तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो जैसे ये वाला लेता हूँ, ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में ही है ऑलरेडी, ये 1 2 2 1 ये लेता हूँ। तो इसको मैं सॉर्टेड ऑर्डर में पहले लिख लेता हूँ, 1 1 1 2 2 5। अब इसमें इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं, 1 2 3 4 5। अब हमें चेक करना है कि कोई भी जो ये वैल्यू है वो इंडेक्स से बड़ी तो नहीं है। अब यहाँ पे चेक किया, 1 से 1 चेक किया तो बड़ी नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे सेकंड वैल्यू है जो 1, ये बड़ी है। तो ये हमारा यहाँ पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा इटरेशन का, और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, इससे डायरेक्ट सेकंड आंसर आ जाएगा। और ऐसे एक और टेस्ट केस देखते हैं, 2 2 3। ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इसको इंडेक्सिंग कर देते हैं, 1 2 3। इसमें भी ये पहला ही एलिमेंट अपनी इंडेक्स से बड़ा है तो आंसर डायरेक्ट सेकंड आ जाएगा। इसी अप्रोच से मैंने सॉल्यूशन सॉल्व किया है, और ये देखिए मैं क्लियर करता हूँ मैं, ये एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर यूजफुल लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखना, समझ में आ ही जाएगी। थैंक यू, बाय बाय।